तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा चल रहा है और दोस्तों अभी के इस टाइम में बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। काफ़ी ज़्यादा मतलब आप सोच ही सकते हो कि ठंडे के टाइम में बाहर निकलना कैसा हो सकता है। तो दोस्तों अभी घर में बैठकर ही सब मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल चलाते के समय अगर नेट स्पीड नहीं चलता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात आ जाती है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ 60 से 65 MBPS चलने वाला एक इंटरनेट APN सेटिंग, जिससे आपका इंटरनेट APN सेटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड चलने लगेगा, तो घर बैठे भी चला सकते हो। तो उसके लिए आपको एक डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क करके एक ऑप्शन दिया जाता है आपके फ़ोन में, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना सिम चूज़ कर लेना है, SIM 1 या फिर SIM 2। उसके बाद आपको नीचे एक एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे रेजेट वाला बटन मिलता है, उसमें रेजेट कर देना है एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर में एक प्लस का ऑप्शन दिख सकता है या फिर आपका नीचे भी हो सकता है, तो उसमें टच करना है और एक इस तरह का फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है नेम। तो नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है Jio 4G, ठीक है। जियो एक स्पेस देना है और 4G जो कि जी कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद मैक्स, ठीक है, एम कैपिटल होगा। उसके बाद इसको कर देना है सेव। उसके बाद आता है APN। तो APN में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, APN में लिखना है आप लोगों को, आपको यहाँ पर टच करना है और लिखना है जियो नेट जो कि J कैपिटल होगा और N कैपिटल होगा, दोनों को सटा के लिखना है। उसके बाद इसको भी कर देना है सेव। उसके बाद आ जाता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आ जाता है पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आ जाता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है #4G जो कि 4 और कैपिटल G। उसके बाद लिखना है मैक्स जो कि M कैपिटल होगा और AX मैक्स #4GMAX। उसके बाद इसको भी कर देना है सेव। सो दोस्तों उसके बाद आ जाता है पासकोड, पासकोड को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आ जाता है सर्वर। तो सर्वर में यहाँ पर आप लोग को लिखना है, तो सर्वर में लिखना है www.jio.com, ठीक है, www.jio.com जो कि सारा स्मॉल में ही होगा। उसके बाद इसको भी कर देना है सेव। उसके बाद आ जाता है MMSC MMS Proxy MMS Port, ये तीनों को नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आ जाता है MCC और MNC, ये आपका एरिया कोड है, इसे आप छेड़छाड़ ना करें। उसके बाद आ जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो इसको आपको सिंपली सब पैप कर देना है, यहाँ पर सेकेंड वाले में पैप कर देना है। उसके बाद आ जाता है APN प्रोटोकॉल, तो APN टाइप इसको नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल वाले ऑप्शन में APN प्रोटोकॉल में आपको जाकर सबसे नीचे वाला IPv4/IPv6 में क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको भी आपको उसी प्रकार सबसे नीचे वाले में कर देना है। उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग BRR, तो BRR में क्लिक करना है और अनस्पेसिफाइड फॉर अनटिक करके LTE HSPAP HSPA और UMTS और GPRS, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको आगे ही मदद मिल जाएगा। तो UMTS और GPRS इसको ध्यान से देख लें, उसके बाद इसको कर दें। उसके बाद एक बार बैक हो जाइए, उसके बाद ऊपर में सेव का ऑप्शन देख सकते हो या फिर नीचे भी आपका सेव का ऑप्शन हो सकता है। तो आप सिंपली सेव का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और एक बार Jio 4G Max वाले में APN में सेटिंग में क्लिक कर दीजिए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।